होगा कि क्या करना है? खड़ा फ्रेम नहीं है, क्यों ब्लर क्यों आ रहा है भैया? हाँ आप सही, सूचना सबको ये सूचित किया जाता है कि भोजपुरी फिल्म गबरू के शूटिंग के सेट पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना वर्जित है। कोई भी कलाकार, टेक्नीशियन या यूनिट का कोई भी सदस्य मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल शूटिंग के दौरान नहीं कर सकता है। कोई भी फिल्म शूटिंग के दौरान न तो कलाकारों या फिर फिल्माए जा रहे दृश्य की तस्वीर नहीं खींच सकता है। ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो 5,000 का जुर्माना लगेगा। दरअसल हम लोग हैं गबरू के सेट पर, अंदर शूटिंग चल रही है, बाहर हम चूँकि शूटिंग आपने बोर्ड देखा पढ़ा हुआ, हम लोग अंदर कुछ दिखा नहीं सकते हैं। एक देखिए बैरियर है, बैरियर पे सुरक्षा करनी है, कैमरा फोन अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ ये यहाँ से लेके अंदर आप कैमरा लेके जा नहीं सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, आदिशक्ति इंटरटेनमेंट एंड महेश पांडे प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स गबरू। चलिए हम देखते हैं सेट के अंदर क्या माहौल है, सेट के बाहर सॉरी बाहर का क्या माहौल है। अंदर तो शूटिंग चल रही है, अंदर अलाउ नहीं है। संतोष पहलवान जी हमारे साथ हैं, नमस्कार। सोनू पांडे जी हमारे साथ हैं, हाँ। आइए आपको दिखाते हैं, हाँ, बाहर की सेट से बाहर का क्या माहौल है और क्या व्यवस्थाएं हैं। अब तक आप लोग फिल्म शूटिंग कैसे होता है वो देखे होइएगा, अंदर में बाहर का देखिए, बाहर में कैसा रहता है, कैसे कैसे क्या होता है। कुछ यूनिक चीज़ मिलेगा आपको यहाँ पे। हमारे साथ भोजपुरी फिल्मों के एक टैलेंटेड डायरेक्टर सचिन यादव जी, नमस्ते। नमस्ते, आइए मिलते हैं। ये बासा खान जी हैं, ये पूरा ड्रेस देख रहे हैं, स्टाइलिश हैं, हाँ, और बहुत अच्छे इंसान हैं बाकी तो। लेकिन हम लोग जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, हाँ वो अभी वो अब दिखाएंगे अब आपको, हाँ। ये बासा भी देखते हैं कि इनके बारे में कुछ बताएंगे हम आपको, हाँ, इनके गाड़ी के पास ले जाके। ये प्रोडक्शन टीम है यहाँ, हमेशा पैसा खर्चा कीजिए, यहाँ बिल बना दीजिए, हैंड टू हैंड कैश होता है, मतलब कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट बिल का भुगतान आप देख सकते हैं। पीछे आप पीछे जस्ट पीछे आप प्रोड्यूसर गाड़ी दिखेगी, शायद भोजपुरी के पहले प्रोड्यूसर होंगे जिनके पास मर्सिडीज है। महेश पांडे जी, ये गाड़ी है महेश पांडे जी की, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, हाँ। दरअसल वो सेट के बाहर है, आपको वारंटी वैन दिख रहा होगा, जनरेटर, यहाँ ड्रेस डिपार्टमेंट है जहाँ से सबके कपड़े तैयार होते हैं। ये थ्री डोर वैनिटी है, ये हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की है, अमरपाली जी की, ये अमरपाली जी की है, ये स्टाफ है अमरपाली जी के, और ये देखिए हमारे दादा गुरु संजय भैया की, संजय पांडे भैया की वैनिटी, संजय पांडे जी इस वक्त अंदर होंगे, देखिए संजय भैया पांडे जी अंदर हैं, दो क्लोन विलेन बैठे हुए हैं, और अभी आपने मर्सिडीज बेंज देखा, एक नंबर, और अब देखिए रेंज रोवर इधर, और ये अभी बासा भाई का जिक्र कर रहा था, ये उनकी गाड़ी है ड्रेस दादा की, क्या बात। अब दूसरा वैनिटी आते हैं, देखिए चूंकि गाने की शूट चल रही है तो कोरियोग्राफर कानूदा का ये वैनिटी है, ये प्रोडक्शन प्रोड्यूसर साहब की वैनिटी है, और प्रोडक्शन टीम के लिए एक रूम है, हालांकि अब लोग बाहर हिसाब किताब कर रहे हैं, देखिए हमारे भी गाड़ी उधर, लेकिन तो सपा का कुछ लगा सपा का झाल और पूरी लगा सब, ये बाकी टेक्नीशियन टीम वैगनार है, सारी गाड़ियाँ हैं, संजय पांडे जी गाड़ी इधर है, आइए संजय, ये हमारे विलन की गाड़ी है, सबसे लास्ट है, सबसे आखिरी में हमारे विलन है सॉरी संजय पांडे जी। आप देख अभी आप देख रहे हैं हमारे गबरू के सेट पे बाहर का दृश्य, आपको अच्छा लगा होगा, और हमारे बता दे इंडस्ट्री के टॉप पीआरओ उदय भैया
सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए माहौल बनाते हुए और हम सबको कोऑपरेट करते हुए और इसके माध्यम से आप देख सारे जनता को बताना चाह रहे हैं, सारे भोजपुरी ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म में अब अच्छी बनने लगी, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर इसमें आ गए हैं। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था, भव्यता के साथ गबरू बन रही है। आज शूटिंग का दूसरा दिन है, अभी हम लोग चूँकि गबरू में क्या लुक होगा ये सब रिवील नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाहर के दिखा रहे हैं आपको। अब बाहर के भव्यता देख के आप समझ ही गए होंगे किस अंदाज में फिल्म बन रही है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बन रही है। धन्यवाद।